जली है, गर्दन को झुकाए हुए एक एक बली है। हर गांव पे सजदे की तमन्ना है जबी को, ये किसका दर नाज है, ये किसकी गली है, आस्था है ये, आस्था है ये, किस शाह ज़ीशान का मरहबा मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ मनारा से बिलाल कुतुब। ये जो फूल हैं ये अकीदत भी है और मोहब्बत भी, और उस्ताद मुहतरम के कदमों में रखने का एक ख़ास मकसद होता है। वो मकसद ये होता है कि जब आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो आपको उलमा इकराम माशाल्लाह ताला बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आरज़ू ये होती है, जैसे कि मुझे हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि कोई अल्लाह वाला ढूंढे, हमने उनका नाम रख लिया बाबा। तो उलमा इकराम में और इन बुज़ुर्गों में, जिनको कि मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि ये बाबे हैं, इनमें क्या फ़र्क है? एक फ़र्क खुदा शनास होने के अलावा जिसका मुझे शिद्दत से एहसास हुआ पिछले 40 साल में, वो आजिज़ होना और आलिम होना, ये दो ऐसी खूबियाँ हैं जो आपको शायद दरबारों के सिवा और कहीं ना मिले। मैं ये अदबन ये नहीं कहता कि कोई मिंबर आजिज़ नहीं होता, लेकिन जितनी खूबी ये इन दरबारों के ऊपर है, अकरम अवान साहब को जब वो हयात थे, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, हज़रत साहब जब हयात थे तो यकीन कीजिए उनका दस्तरखान नहीं ख़त्म होता था, उनकी आजिज़ी इसके बावजूद कि वो कुरान की तवासीर लिख चुके थे, पंजाबी में वो तर्जुमा कर चुके थे, और उनकी ऑडियो के ऊपर अगर आप गौर कीजिए तो वो इतनी तफसीर है कि शायद उस पर आपको 20 से कम वॉल्यूम लिखने की से ज़्यादा की ज़रूरत पड़े। आज उनके पास हाज़िर होते ना जब, तो मैं ये अपने गुमान से कह रहा हूँ बड़े अदब के साथ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि एक मुंतकली का सिलसिला है, इंतकाल का सिलसिला है, वो अपनी जगह, लेकिन आज इनके पास बैठ के इनके साहबजादे से अब्दुल कदीर साहब से बात करेंगे ना जब, यकीन कीजिए कदीर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अपने वालिद के सिलसिले को आगे लेके चलना ये कमाल बात है। इसका जो बोझ है वो इस बात से जहन में रखिएगा कि जो बड़ा दरख्त है इसके नीचे कभी घास नहीं उगता, इस घास को उगाना, उगाते रहना और लोगों को उससे एक फैज़ जारी करना, ये कमाल काम है। सारे सिलसिले जो हैं ये कदीर भाई से आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो छोटे कदीर साहब भी हमारे साथ हैं। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अच्छा कदीर भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि अकरम अवान साहब ने, हज़रत साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी में कुरान की तफसीर की, लोगों से बहसें की, बातें की, लोगों को फैज़ दिया, लोगों को ज़िक्र दिया, बहुत कम लगता था ऐसा कि हज़रत साहब जो हैं वो हम नहीं हैं, उनके पास बैठ के लगता था शायद मैं ही हूँ जो मेरे सामने बैठा हूँ और मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। आज उनकी गैर मौजूदगी में, ज़ाहिरन गैर मौजूदगी में, एक बेटे को कैसा लगता है? बहुत शुक्रिया मोहतरम बिलाल भाई, आप तशरीफ़ लाए, इस मौजू पर बात हो रही है। आपका जो सवाल है उसी में एक जवाब ऐड हो सकता है कि हम नहीं थे लेकिन हमारे शख्सियत ज़रूर थी। तो फिर कहिए क्या क्या जुमला खूबसूरत कह, वाह वाह वाह। आपने फरमाया ना कि उनमें हम नहीं थी, यानी मुराद आपका ये था कि वो किसी पहलू से भी आपका कोई तकब्बर का आंसर नहीं मिलता था, लेकिन हमारे शख्सियत थे। और रब कायनात ने दुनिया का निज़ाम कुल्लु मन अलैह फान से तरतीब दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जलवा फरोज, खालिक का मखलूक की तरफ मुजस्सम रहमत आपकी ज़ात, वाह, दार दुनिया से आपका पर्दा फरमान, एक तसलसल है इस हयात का, इस आलम फ़ानी का। और हजरत जी के साथ मेरी जो ज़िम्मेदारी थी, आप कह लें कि जैसे नियाबत के हवाले से तो बहुत बड़ा लफ्ज़ आ जाता है, लेकिन आप समझ लें कि असिस्ट करता था हर शोबे में, हमें हमेशा लगा वो आपको तैयार कर रहे थे। ये मन जाने वाला निज़ाम है जी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सोचा ही नहीं कि मेरी सुबह शाम जिस चेहरे को मैं देखता हूँ और मेरी ज़िंदगी होगी और वो चेहरा मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा। वाह बिल्कुल, एक अल्लाह का निज़ाम है। एक बात जो ये है कि
बेशुमार उन्होंने काम किया है। प्रैक्टिकल लाइफ से थे, एक समझा जाता है कि तसव्वुफ या दीन या ख़ास करके तसव्वुफ, इसका दुनिया की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो फरमाते थे दुनिया में रहो, दुनिया के हो कर ना रहो। इमाम अली का कॉल हो गया ना ये। आप मकसूद दुनिया ना करो, मकसूद आखरत करो, रहो दुनिया में। अगर दुनिया में आखरत को देख कर रहोगे तो आखरत की जो तामीर है वो इससे होगी। सुभान अल्लाह। तो दुनिया को छोड़ देना तो आप तो अमली ज़िंदगी से निकल गए। हमने एक अमली ज़िंदगी में कदीर भाई एक और बड़ी खूबसूरत बात देखी जो कि सिर्फ यहीं पर हमने देखी, और मैं ये बात जो है ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। आमतौर पे आप जब दरबारों पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, तो गले रखे होते हैं, आप नजराने देते हैं, हदिया देते हैं। कमाल बात है, अमीर साहब ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहाँ बुज़ुर्ग जो हैं वो दस्तरखान बिछाते हैं अपने आने वालों के लिए। ये बहुत मुख्तलिफ बात है, ये नीयत के अलावा और इसका और क्या अजर हो सकता है? गुजारिश ये है बिलाल भाई के हर वो हिस्सा दीन का, ज़ाहिर है या बातिन, बातिन तसव्वुफ़ शोबे से लेते हैं, ज़ाहिर उलमा का जो अमल कर रहे हैं, हालांकि दोनों एक ही, दोनों शरीयत, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का मंबा नबी के सल्लम की ज़ात अक़दस है। वाह। आपने जहाँ मुआशरत पर बात की है वहीं आपने अज़दवाजी ज़िंदगी पर बात की है, मईशत से लेकर मामलात और इबादात, एक एक पहलू आपने ज़िंदगी का नमूना मुकर्रर फरमाया। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा कुल्ली तौर पर इख्तियार करते हैं ना जी, फिर ये बैलेंस आपको मिलता है जो हजरत जब रसूल आप कुल्ली तौर पर करते हैं तो फिर ये आप तो ये बैलेंस लाइफ आपके सामने नमूने के तौर पर आ जाती है। जैसे आज हम हजरत अमीर मोहम्मद अकरम रहमतुल्लाह तआला अलैह का जिक्र कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बताई। मैंने कहा कि अमीर साहब ऐसा क्यों है कि आप जो हैं वो खुद अपना दस्तरखान बिछाते हैं? ये लोग तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो ये सारा इंतज़ाम करते हैं। उन्होंने कहा यार गल है वे कि भुख दे विच ना ईमान भी चला जाता है, तो पहले रोटी खवाओ फिर ईमान दियाँ गल्लां करो, ये बहुता चंगा है। वो जो सादगी है वो बाद में जाके मुझे कई सालों बाद पता चला कि वो जो मुझे पंजाबी में बात बता रहे हैं वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कमाल काम है। हजूर कभी ऐसा लगा कि इन सारे सिलसिलों में जो आज हमने कायम किए हैं इनमें से आपने जो नक्शबंदी सिलसिला है इसको क्यों इख्तियार किया, इसमें क्या खूबी है? उदाहरण ये जी कि हजरत शुरू से मिजाज था हजरत का हकीकत पसंद थे, तो हमारा कबायली सा निज़ाम था, अब तो तकरीबन सेटल चीज़ें हैं जी, तो वो उस तरह की सख्त और हार्ड लाइफ थी, और उसमें उनको वो तलाश रहती थी कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ या जो दुनिया की अचीवमेंट है ये कोई ऐसी नहीं है जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो, ये कुछ चाहिए मुझे इत्मीनान के लिए। ये पुरानी बात, ये पुरानी बात है जब जिसकी मैं बात करूँ, तो वो उस तलाश में बेशुमार जगह पर गए, बेशुमार बुजुर्गों से मिले, और बड़ा खुला मिजाज था उनका। असेसमेंट में एक लफ्ज जो है ना कि बाबे तलाश करना, इसकी सेंस हमने मुआशरे में और कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात। इससे मुराद ऐसे जैसे एक लफ्ज है मौलवी किसी को कह दे तो वो महसूस करता है, हालां लफ्ज मौलवी एक दीनी इल्म की सतह का एक सनद। बिल्कुल बिल्कुल बेशक है, हमारा वो मजमूई तौर पर कमी बेशी उसमें, तो वो लफ्ज बाबे को भी तकरीबन उस तरह ले लिया जाता है। तो उन्हें हजरत बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह तक जब उन्हें रसाई हुई, तो उन्होंने उलूमे ज़ाहिर के साथ जब कैफियत बातनी का आपको चाशनी दी, आपको समझ आई कि नहीं ये वो जगह है जहाँ से मैं हासिल कर सकूँ। तो हमारा ये वो जगह से मुराद ये वो सिलसिला है। हाँ, हमारा वो जो हजरत की तलाश थी वो उन्हें मुयस्सर इस सिलसिले से आई, नक्शबंदी अवैसिया से मौजूद अफराद में। अच्छा, इसका नाम साथ अवैसिया क्यों है? जिस तरह हजरत अवैस करनी ने नबी सल्लम से बिल्मुशाफ़ा मुलाकात नहीं की जी, लेकिन आपको कैफियत नसीब हुई, आपके नूर वो अल्लाह करीम के हबीब ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि जब अवैस मिले तो मेरा सलाम भी देना और उन्हें कहना दुआ भी करें। तो वो आपका फरमाना हजरत अवैस करनी की दुआ सबाब ने, आपकी शफकत थी जो हजरत अवैस करनी की तरफ थी। आए, आए, आए। तो वो तरीका कि अगर रूबरू ना हो तो भी शक्कर कैसे हासिल किया जा सकता है, इस तरीके से फैज लेना इसे अवैसी कहते हैं। ये जो आप सिलसिला कह रहे हैं इस तरीके से, आपने कहा ये फैज लेना,
तो ये फैज लेना कोई तरीका है जो कि लिया जाता है या जो कल्बी या रूहानी कोई और चीज़ है? गुजारा ये जी कि जैसे मैंने बात की कि उलूम ज़ाहिर हैं और उलूम बातिन हैं जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, ज़ाहरी तालीम तसलसल आता है किताब से किताब, बेशक तहरीर से तहरीर ली जाती है। अच्छा, जब आप इस शोबे पर आएंगे तो इसे कहते हैं सदरी उलूम, कल्बी सदरी, सदरी। सदर मीन सीना, ये सीना ब सीना चलते हैं, इस चलने को सिलसिला कहा जा रहा है कि एक तसलसल है देने और लेने का और एक कायम है। और फिर इसमें एक ज़मन में हदीस शरीफ अर्ज करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला तकूमु सआत हत्ता ला युकाल फिल अर्ज़ अल्लाह, कयामत कायम तब तक नहीं होगी जब तक दुनिया में आखिरी अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद है। बेशक अब इससे जो बात और हकीकत वाज़ह होती है और इसकी शरह करें तो समझ आती है कि नूर ईमान जिसका तसलसल नबी करीम सल्लम से शुरू हुआ है, जब तक इस दुनिया में है इस आलम फानी की हयात का वो सबब है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने, वाह 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 वाह। जब इस बात को जरा खोलिएगा, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या तफसीर फरमाई, वाह वाह। उसमें गुजारिश ये है कि जब ये सबब नहीं होगा तो हदीस शरीफ में आता है कि फिर क्यामत कायम होगी, फिर क्यामत कायम, फिर इस दुनिया की हयात नहीं रही। क्या बात है। अब इसमें आज जो जुमतुल मुबारक है और मेरा जो जुमतुल मुबारक का बयान था उसमें अल्लाह करीम ने मोमिनीन को मुखातिब फरमा के फरमाया था कि अगर फरमाया है कि अगर तुम इर्तदाद में आ जाओ, मुर्ताद दो दो दिन छोड़ दो, तो वो और अपने प्यारे बंदे ऐसे पैदा कर देगा जिन्हें युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, जिन्हें वो मोहब्बत करेगा और जो उसे मोहब्बत करेंगे। अब ये बात कि इस तसलसल में हम हैं, इस तसलसल ने होना है जब तक अल्लाह को मंजूर है, हमारा होना खुशबख्ती और उसका एहसान है, हमारे होने से ये तसलसल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ऐवान साहब, माशाल्लाह ताला। वो हज़रत रवाहा रज़ी अल्लाह जो है वो बैठ गए बिल्कुल दरवाजे में, जब आपने कहा कि बैठ जाओ तो आपने सुना तो वहीं जूतियों में बैठ गए, तो वो बैठ गए, उन्होंने तशरीह नहीं की इस बात की, उन्होंने तफसीर नहीं इसके बात की, उन्होंने जब सुना तो वो बैठ गए वहाँ पर। क्या कमाल, ये तसव्वुफ़ जो है ना, ये सूफिया करामी है जो ये तफसीर कर सकते हैं कि जब अल्लाह ने कहा कि एक भी शख्स अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा क़यामत नहीं आएगी, उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह ने कहा अल्लाह अल्लाह करना है, अल्लाह अल्लाह करना है, और ये लोग फ़र्क डालेंगे क़यामत और क़यामत ना बरपा होने में। सुभान अल्लाह, क्या वाह 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 माशाल्लाह हुज़ूर। लेकिन कभी ये लगता है कि और जो सिलसिले हैं सारे वो खुदा के रास्ते की तरफ उतनी तेज़ी से नहीं जा रहे जितनी तेज़ी से आपका सिलसिला जा रहा होता है? जैसे सबको अपनी मोहब्बत होती है, अपने आका से मोहब्बत है, जैसे अपने मुर्शिद से भी मोहब्बत होती है। गुजारिश ये है जी कि दुनिया की जो रकाबत होती है ना महबूब की, लेकिन आपने जैसे दिल की कैफियत बदल दी है, रकीब जो कहा जाता है ना जी, दुनिया के महबूब का जिसको रकीब दूसरे को कहा जाता है, मखलश होती है। हाँ, जो दरे अकदस की मोहब्बत या इश्क है इसमें रकीब जान से अजीज होता है, तो ये गुमान नहीं है कि कोई और जो उस तरफ चलने वाला है वो कमजोर है। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात की है, वो हमें महबूब है सल्लल्लाहु मोहम्मद वाली मोहब्बत, रकीब से मोहब्बत होती है, ये दरे अकदस की मोहब्बत का तकाज़ा है। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत बात की। मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूँ आपकी इजाज़त से, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन ये जहन में बात रखिएगा और इस वक्फे में ये सोचिएगा कि जब मिंबर से बयान होता है तो यही बातें बयान हो रही होती हैं, तो आप कहते हैं जल्दी से दो रकत नमाज पढ़ें और घर जाएं, लेकिन जब ये एक बाबे की जुबान से बातें सुनते हैं ना, उनकी तासीर और होती है। मोहब्बत सब कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, लड़ो ना एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे की मोहब्बत के लिए, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाना। ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये नस्बतें हैं और ये सिलसिले हैं। वापस आते हैं, बात करते हैं, इन्होंने अपने वालिद से ये रूहानियत जो इस वक्त महसूस हो रही है यहाँ पे सारी महफिल को, वो पाई या दी गई? वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अमीर अब्दुल कदीर आवान भाई जो हैं, इनकी एक बड़ी खूबी है, मैं बड़े अदब से आपके सामने ना ये हजूर जिसे कहना चाहिए ना कन्फेशन कर रहा हूँ। जब आपके वालिद हयात थे
तो आपकी तबीयत एक और तरह की थी, लेकिन आज आपकी तबीयत जो है ना उसमें एक और कशिश है, एक और रूहानियत है, लफ्ज़ों में जोर है, बयान के अंदर वो गहराई महसूस हो रही है। आपको लगता है कि ये तब्दीली आपको या ये सुकून आपको या ये जो रूहानियत का एक सफ़र है कि आपको एहसास होता है या बेएहसास चल रहा है? गुजारिश ये है मोहतरम के कुर्ब इलाही सबब होता है जिसका इजहार बंदे की कलाम से, जबान से, खामोशी से भी हो जाता है। खामोशी से भी हो जाता है, वाह 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 वाह। लेकिन हजरत खामोशी से भी, हजरत की रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ जब मेरी जिम्मेदारी थी तो मुझे तब भी एक हुक्म की तामील करनी थी, और आज जब वो दारे दुनिया से पर्दा फरमा गए, आज भी हुक्म की तामील ही करनी है। वाह वाह वाह, तामील ही करनी है। तो जिस मौके पर जो हुक्म है उसकी तामील में फर्क ना आए, वाह, और इसको पूरा करने में बाकी सारा कुछ हो, कहीं किसी गोशे में कोई मुनाफ़कत ना आए, जो है वो हो। अल्लाह ये कोशिश है, अल्लाह आसानी फरमाए रखे। अल्लाह अकबर, कमाल बात है, कमाल। बड़ी अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी इस बात की। ये फरमाइए कि हर मुर्शिद जो है वो अपने आने वाले मुरीद को कुछ देता है, वो रूहानी हो, जिस्मानी हो, दुनियावी हो, दीनी हो, कुछ देता है। आप क्या देते हैं? गुजारिश है जी कि अल्लाह करीम का नाम और तसलसल जो कलब अथर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम से जारी है उसके मुकाबले और कोई चीज़ है ना? हमारी जाने कुर्बानी से हम अमनी तौर पर तसव्वुफ़, मैं सफ़र जब करता हूँ ना जी, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में भी, वेस्ट में भी, बड़ा फार वेस्ट तक जाता हूँ, सैकड़ों हज़ारों लोग मिलते हैं एक ट्रैवल में, एक आध बंदा मिलता है जो ये कहे कि मुझे कैफियत कल्बी सीखनी है। अच्छा, बेशुमार अकीदत होगी, लिहाज होगा, चाहेंगे कि हम हाथ रखें जहाँ ये पांव रखे, सारे इजारे मोहब्बत, लेकिन कैफियत कल्बी, अच्छा मांगेंगे क्या कि दुनिया के कोई ना कोई पहलू होगा, औलाद के हवाले से बात होगी, जात के हवाले से बात होगी, वेल्थ के हवाले से बात होगी, सेहत और बीमारी के हवाले से बात होगी, और ये तो बहुत ज्यादा हो गया जिन्नात और ये जो जादू है इस हवाले से बात। अब मैं सोचता हूँ इस सारे को जमा करें और इस सारे में खल्क पूरे को, दुनिया को भी इसी में डाल दें गठड़ी में, और खल्क को भी डाल दें, इसको तराजू पर रख दें। क्या बात है, दूसरे तरफ जो वहाँ से ताल्लुक मिलना है, जो कलब वो एक तरफ, उसको रखो तो इसकी कोई हैसियत बचती है? ये इसको तराजू में रखना भी जचता नहीं, जचता नहीं है। तो जहाँ से वो ताल्लुक मिलना हो वहाँ से ये, और फिर जो तक खालिक का है उसे छोड़कर फिर असबाब को, जो मुसब्बिबुल असबाब है उसे छोड़ दें, सबब के पकड़ने के पीछे भागते हैं। क्या बात है। तो जब इन पहलुओं को देखते हैं तो जो समझ आती है कि ये हकीकत दी जाए जो आए, वाह, कि तुम्हें ताल्लुक तुम्हारी जरूरत है मुसब्बिबुल असबाब से, ताल्लुक असबाब के पीछे ना भागो, असबाब के पीछे भागोगे तो मुसब्बिबुल असबाब का ताल्लुक नहीं, मुसब्बिबुल असबाब से ताल्लुक होगा तो असबाब किसके हैं? उसी के हैं। तो ये कोशिश की जाती है कि हकीकत वो दी जाए जिसमें मांगने वाला सही मांग नहीं रहा। एक अर्ज करता हूँ ना जी, ये होता है, इसका इन्हिसार होता है सालिक और शेख के दरमियान में, सालिक और रब कायनात के दरमियान, बंदे और मालिक का जो रिश्ता है इसका इन्हिसार उस पर होता है। क्या उसे इनाबत इलाही है? हाय हाय, वो चाहता है कि मेरा रब करीम से मेरी भी बंदगी का ताल्लुक चाहता है। वाह, नियत है। अच्छा, जब वो चाहे तो वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलन, वो फरमाते हैं तू चाह मैं तुझे सबब पहुंचा दूंगा, हाय तुझे सबब पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी, कदम आऊंगा। वाह वाह, वो चाहे, तो कोशिश की जाती है कि बंदे को इस हकीकत पर लाकर अल्लाह के रूबरू किया जाए और बीच में खुद भी ना रहा, खुद भी ना रहा जाए, वो जाने, उसकी मखलूक जाने। एक उस तसलसल में अभी थोड़ी देर पहले आप जब बात कर रहे थे तो आपने शेख और सालिक के रिश्ते की भी बात की जी, बिल्कुल। तो ये शेख और सालिक का जो रिश्ता है ये है वालिद और औलाद का, लेकिन इसमें से वालिद निकल जाता है, इसमें फिर और ज्यादा नजाकत इतनी है कि दुनिया में किसी रिश्ते में भी आप दिल में कमी बेशी सोच कर लफाजी के साथ मैं नहीं कर सकते हैं, यहाँ ये इसमें नहीं हो सकता, यहाँ कल पड़े जाते हैं। यहाँ बात है हाउ प्योर यू आर, वाह कितना खालस,
आपका ये तल्लक है। फिर और उतनी ही जल्दी सफर है। अर्ज करता हूँ ना जी, ये तो अल्लाह का करम है ना, किस पर कितना है उसकी शान है अपनी। इसमें तसव्वुफ को पढ़ के सुन के देख के हासिल नहीं किया जा सकता। पढ़ के सुन के देख के तसव्वुफ को हासिल नहीं किया जा सकता, उस तरीके को इख्तियार करना पड़ेगा, उस तरीके को इख्तियार करना। इसलिए ये तजर्बा है, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि तसव्वुफ कैफियत है। हाँ, क्या कैफियत पड़ी सुनी देखी जा सकती है तो फिर मैं मान लेता हूँ। ठीक, क्या बात है, बड़ी तो एक पानी का घूंट पीने के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, घूंट लेना पड़ता है, जो उस केमिस्ट्री का कुली है उससे पानी का टेस्ट समझ नहीं आता, नहीं आ सकता। वाह वाह वाह, अच्छी तो यहाँ जो चीज है वो ये है कि ये चीज समझाई जाती है, पीना पड़ेगा कि दुनिया आलम अमल है, अमल की तौफीक मांगी जाए, कमी बेशी की माफी मांगी जाए, और इस तसलसल में इस मुसाफिर को बामंदल चल पड़े। वाह, पहुंचाना रब्बे कायनात का काम है। बड़ी खूबसूरत बात, उसके दस्ते कुदरत वाद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी। इसमें एक 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 बात जो है वो मैं अगले वक्त के बाद पूछूंगा इनसे कि ये जो सिलसिला है, जो मुर्शिद करता है, जो जोड़ने का ताल्लुक का सिलसिला है, इसमें वो बयान को इस्तेमाल करते हैं, बैत को इस्तेमाल करते हैं, या क्या तरीका है जिससे करते हैं, जिक्र का अंदाज कैसा होता है। लेकिन इससे पहले हज़रत आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाऊंगा, जितने भी दरबार होते हैं, जितने भी गद्दियाँ होती हैं, मुर्शिद अक्सरियत में यहीं बैठते हैं और लोग आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं या नहीं करते हैं भारत। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी अभी तक रवायत नहीं पढ़ी कि जो दीन इस्लाम है उसको लोगों तक जाके पहुंचाया जाए या उसके लिए कोई काम किया जाए, कोई ऐसा सिलसिला नहीं बन सकता। गुजारिश है जी कि है ऐसा तसलसल मिलता है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आई वहाँ वहाँ पर मशाइख गए। आप यहाँ जो बरसग़ीर के बुजुर्गान का और सूफिया का तज़किरा करते हैं तो हज़रत दाता साहब यहीं पैदा हुए थे। क्या बात है, आए पर क्या किया। वाह तो आप जितने ये बड़े नाम हैं, नाम यहाँ बहुत हैं, जानते हम थोड़े हैं। अच्छा, हम जानते थोड़े हैं। वाह, हम जानते थोड़े हैं, नाम यहाँ बहुत हैं और बहुत बुलंद पाए लोग भी हैं। बेशक, हम तो वो जानते हैं ना जो जाहिर में तामीर है, जो किसी दीवार की बुनियाद के नीचे भी मज़ार ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते और वो बड़े बुलंद पाए लोग। बड़ी अच्छी बात। तो क्या ये सारे वहीं के थे? बिल्कुल नहीं। तो ये जो समझ लेना कि जहाँ बैठो तो ये तबलीग का सिलसिला जो है वो जारी है, जारी है। आपके कोई इरादे में, कोई आपके फहम में, क्या आपको लगता है कि हज़रत के अमीर मोहम्मद अकराम अवान साहब के जाने के बाद आप खुद इस बात में तबलीग में कोई अपना किरदार अदा करेंगे या तबलीग को कोई एक कायम करेंगे किसी तरह से? गुजारिश ये है बिलाल भाई के सिलसिला नक्शबंदी अवैसिया ये हमारी बुनियादी इसकी तहत ऑर्गेनाइजेशन भी है, खुलफा हैं, उमरा हैं, और ये एग्जिस्ट करती है ग्लोबली, दुनिया में ग्लोबली। आप जापान से अमेरिका तक, अफ्रीका तक चले जाएं, इससे मुतल्लिक लोग भी मिलेंगे, जिम्मेदार भी मिलेंगे, खुलफा भी मिलेंगे। ये जो आजजी है, ये जो फकीरी है, ये तलाश मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन है। हजूर, इस फकीरी को आदत बना लेना चाहिए, किरदार बना लेना चाहिए, या अपने पे जबर करके इख्तियार करना चाहिए? एक असूली बात अर्ज करता हूँ, जो हमने इस्लाम में तफरीक की हुई है वो बुनियादी तौर पर दुरुस्त नहीं है। आए कि उलमा के जिम्मे इस्लाम है, सूफिया के जिम्मे अल्लाह है, हमारे जिम्मे मामूलात दुनिया है। उलमा दीन का बयान करना ज़ुरियात दुनिया की तकमील का ज़राए ना समझे। वाह, दुनिया के मामलात में जो रह रहे हैं ये दुनिया को अपना जानकर दीन उलमा का ना समझें। क्या बात, हम में से हर एक ने कब्र में अपने किए का खुद जवाब देना। वाह, बेशक। फिर ज़रूरी ये है कि इस्लाम का, जब मैंने अर्ज पहले किया है कि नबी किस्म का जो इरशाद है, जब आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको वहाँ ज़िंदगी के हर पहलू में ऐसी रहनुमाई मिलेगी जिसमें तशनगी नहीं है। मुसलमान आधा आधा मुसलमान नहीं होता, पूरे का पूरा कुल्ली। वाह वाह वाह, दीन इस्लाम में कुरान करीम फरमाता है ना जी कि कुल्ली तौर पर दाखिल हो, मतलब इसमें कोई चीज़ छोड़ो नहीं। तो उस ज़मन में जब हम आएंगे तो ये तफरीक रहेगी नहीं। क्या बात है,
جس کی آپ نے بات کی کہ اس کام کے لیے کیا ضروری ہے. ہاں اب بات یہ ہے کہ عمومی طور پر دین کا جاننا ہر ایک کے ذمے ہے, ہر ایک کے ذمے مفتی ہونا نہیں ہے, ہر ایک کے ذمے عالم فارغ و تحصیل ہونا نہیں ہے, لیکن ضروریات دین جو اس کی ضرورت ہے وہ جاننا ضروری ہے. تو اسی طرح تصوف پر جب بات آتی ہے, تصوف شعبہ نہیں ہے, شعبوں کی جان ہے. کیا بات ہے, آپ تبلیغ کو کہتے ہیں شعبہ ہے, آپ درس و تدریس کو کہتے ہیں شعبہ ہے, آپ اسی طرح تحریر کا جو پہلو ہیں, مدرسین کے پہلوؤں کو لیتے ہیں, مجاہدین کے پہلوؤں کو لیتے ہیں, آپ اس مجاہدین کے پہلو ہم نام لیں تو ہم فوراً وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, اور بھائی معاشرے کی روز کر رہا کی زندگی میں جہاد تھوڑی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, پہلو جہاں جو حکم ہے اسی کے تحت ہونا ہے. لیکن ان سب میں کیا درکار ہے, خالص نیت یا لوگ کہیں میرے جیسا عالم کوئی نہیں, کیا بات ہے, یا لوگ کہیں میرے جیسا مبلغ کوئی نہیں, صرف خالص یا لوگ کہیں میرے جیسا مدرس کوئی نہیں. جب خالص کی بات کرو گے تو یہ تصوف ہوگا, بات تصوف کی آئے گی, قلب کی آئے گی. اور ایمان, عبادات اور معاملات تین حصوں میں اسلام مخاطب فرماتا ہے کسی بھی زندگی, ایمان, عبادات, معاملات. واہ, ان تینوں میں مجھے کو بتائیں خالص نیت نہ ہو تو کون سا حصہ پورا ہوگا. خوبصورت بات کی ہے ایمان صاحب آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ. لیکن یہ جو سلسلے ہیں اس میں جو طریق ہے, جو انداز ہے توجہ کا, ذکر کا, یہ بیان کرنا جو ہے نا, یہ بھی ایک بڑی بہت بڑی جماعت ہے. یہی باتیں آپ ہمیشہ سے عمر ہو گئی سنتے ہوئے, لیکن جب آپ ایک بابے سے سنتے ہیں نا تو اس کی تاثیر ہی اور ہوتی ہے, اور ہی تاثیر ہوتی ہے اس کی, اور وہ کیفیت جو ہے وہ یقین کریں میں بیٹھا اگر یہاں محسوس کر رہا ہوں نا تو آپ وہاں دیکھنے والے بھی اس کو یقین محسوس کر سکتے ہیں. واپس آ کے حضرت سے پوچھتے ہیں کہ جناب وہ جو طریقہ ہے ذکر کا وہ کیسے جاری ہوتا ہے, اور جس کو کہتے ہیں کہ قلب جاری ہو گیا وہ صرف لفظ ہے یا قلب جاری ہوتا بھی ہے؟ وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. سسی کے اگر من میں تمہاری جاگے تم اسے تپتے ہوئے تھل میں جلا دیتے ہو, سونی گر تم کو نہیں وال تصور کر لے اس کو بھی بھری ہوئی لہروں میں بہا دیتے ہو, خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر بھر دو جھولی, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ میں آپ سے اکثر عرض کرتا ہوں کہ حضور ایک دفعہ ایک بزرگ کو ملنے گئے, سوات بڑی دور تھے, تو کوئی دل کوئی زیادہ کوئی تعلیمی نظام میں بھی کچھ ایسے تھے کہ وہ نخرا بہت زیادہ تھا, تکبرات ذات بہت زیادہ تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی برکت کیسی دیتا ہے. ہم نے بزرگ سے پوچھا جب کہ صوفی کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے ساری رات ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے سوچا کہ ہم نے ان سے غلطی ہوگی, 18 گھنٹے سفر کر کے. جب ناشتے کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ان بزرگوں نے ایک آپ کے والد صاحب کی طرح ایک پنجابی میں بات کی. انہوں نے کہا کاکا کدی پانڈے دھوتے ہی؟ ہم نے کہا بڑی دفعہ. کہندے تانوں نہیں آندے پانڈے دھونے, جن پانڈے دھونے آن نا ان پتہ ہوتا ہے کہ زور باہر لانا ہے کہ اندر لانا ہے. Yes. کیا خوبصورت بات ہے, ایک جملہ. یہ اس بات کو 25 سال ہو گئے, یقین کیجئے یہ قلب کے اوپر آج بھی بات اسی طرح زندہ ہے. حضور یہ جو تاثیر ہے, یہ جو آپ ذکر دیتے ہیں, پہلے تو یہ بتائیے کہ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے اور یہ کیا لے کر کہاں جاتا ہے انسان کو؟ گزارش یہ ہے جی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تین حصوں میں اس کا جواب. جی بسم اللہ. بنیاد آ جاتی ہے بیت, جہاں سے تعلق آتا ہے. بیت میں مختلف قسم ہے, ہر بیت بیت تصوف نہیں ہے. ہر بیت بیت تصوف نہیں ہے. بیت تصوف اس شعبے سے منسلک ہونے کا نام ہے. واہ. آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جیسے ایڈمیشن لیتے ہیں, ٹھیک, اس طرح آپ داخل ہو. خالص تعلق اور امتحان مقصود نہیں. امتحان مقصود, اگلے کا امتحان مقصود نہیں, طلب طلب پر آپ تشریف لائے. با با با. یہ آپ کی بنیاد ہے, یہ انابت کے تحت پہلو آتا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. پھر جب بات آئی شیخ کے حوالے سے, تو شیخ جو ہے اسے مقصود رضا الہی ہے, اسے اس فرد سے کوئی چاہت نہیں. دونوں پہلو مکمل ہو گئے. پھر اس دونوں پہلو پر آ کر جب آپ نے بات کی کہ اس سے حاصل, سوال کا آپ یہ تھا نا کہ اس کا حاصل کیا ہے. ایمان میں سب سے بڑا جو ایمان ہے وہ ذات باری تعالیٰ پر ہے, بنیاد ہے. لا الہ بے شک,
कोई इलाह नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह, छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ भी नहीं, कोई आपकी जो इंसानी सातवीं हिस भी नहीं जाती वहां पे, कुछ कोई भी हिसाते इंसानी कुछ नहीं जाता। मना है, फरमाया खुद से सोचो नहीं भटक जाओगे, जो बताया गया उतना समझो। कुरान करीम फरमाता है कि वो तेरी शहरख से भी करीब है। जब आप तसव्वुफ पर मेहनत करते हैं, किसी हिस में ये हिस्सा नहीं आता, लेकिन आपको न सिर्फ वहदानियत बारी पर यकीन आता है, आपको मैयत पर इतना यकीन आता है कि आपकी शहरख से करीब आप महसूस करते हैं। वाह, एहसास है, ईमान इस दर्जे तक चला जाता है। लेकिन इसका इसकी बुनियाद नियत होगी, नबी किस्म का फरमान है, तो आए, 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 आए। आपने जो इरशाद फरमाया वो हतमी बात है। तो हसरत वो जो हमारी सारी जिंदगी की विजन है कि हमने पता नहीं क्या क्या पनामा लीक्स में जाके करना है, हमने कहाँ कहाँ अपनी जिंदगी की जायदादें बनानी है, क्या कुछ नहीं करना, वो सारा तो फिर एक मतलब कमाल फजूल काम किया ना जिंदगी में। जो कुर्ब इलाही हमने एहसास कर लिया, इससे बड़ी दौलत और जो दौलत को बनाने वाला है, अगर उसी को एहसास कर लिया तो मिल तो सब कुछ गया। गुजारे ये है कि दौलत फी नफ्स बुरी नहीं है, बेशक जायज और हलाल हो, हलाल हो, जायज और हलाल हो, छीना ना जाए, किसी का हक ना हो। अगर मदीना मुनव्वरा में कपड़े मुबारक जो हैं उन पर आपको सिलाइयाँ मिलती हैं, उसी मदीना मुनव्वरा में ऐसे गलीचे आए जिनमें टखनों तक पाँव भी धंसता था। बिल्कुल, लेकिन हर दो सूरत में किसी के साथ ना नाइंसाफी थी ना ज्यादती थी। इसी तरह जब बात यहाँ हम अपने हालात की करेंगे, तो इसमें दुनिया की तलब देखनी हो तो कुरान करीम फरमाता है अपने से पहली कौमें देखो मैंने ऐसी बनाई थी जो दुनिया में और ताकत में तुमसे बड़ी हुई थी। बेशक, तो अगर समंदरों से निकल कर निशानियां इबरत की पहले पड़ी हैं, तो आज उस राह का जो मुसाफर है उसे मंजिल कौन सी मिलेगी? आए वही मिलेगी ना। बेशक, फिर जो बात आपने फरमाई ना मोहतरम बिलाल भाई के नुकसान की, मैं हर उस कदम को ही नहीं हर उस सोच को भी नुकसान समझता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बाहर। वाह वाह, कमजोर हैं, वाह, गुनाहगार हैं, हमा वक्त अल्लाह की रहमत के तालिब हैं, दुआ करते हैं अल्लाह अपने अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाई रखे, रहम फरमाई रखे। ये नहीं है कि हम जैसा और कोई नहीं, हम बड़ी बात, ऐसी नहीं बात, बड़े कमज़ोर गुनाहगार हैं, लेकिन ये कि उस हक से बाहर किसी बात को अहमियत दें ये कोई बात नहीं है, वो जुल्म है। हजरत वो जो जिक्र आप सिखाते हैं, जो कल्ब जारी करते हैं, उसका तरीका क्या है? गुजार ये जी कि जो तरीके हैं ना जिक्र करने के, इनमें फर्क आता है, इसलिए कि मकसद तस्बीह पढ़ना है, आप लकड़ की तस्बीह से पढ़ रहे हैं, आप काउंटर से पढ़ रहे हैं, आप हाथ पर उंगलियों से पढ़ रहे हैं, ये जराए हैं, मीन इट्स समथिंग लाइक मीन, ठीक है। इसी तरह जब जिक्र के तरीकों पर कोई बहस करता है और एतराज़ करता है तो वो ये भूल जाता है कि इट्स काइंड ऑफ मीन्स, ठीक है, ये तरीका रिक्शे में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जेंसी पे जा रहे हैं, मकसद जाना है, बिल्कुल ठीक हो। ये है कि इस कोई तरीका ऐसा ना हो जिसमें दीन से तजावज, क्या तरीका ऐसा ना हो, अच्छा, दीन से तजावज ना होगा। जिक्र खफी वो वाहिद तरीका है जिक्र, वरना तो जिक्र की किस्म है ना जी, हाँ। अमली जिक्र भी है, आपका लिसानी जिक्र भी है, आपका कलबी जिक्र, किस हाँ। अक्साम है ना जी, खफी से मुराद है कि आप जिक्र करेंगे वो जिक्र जो कोई दूसरा नहीं सुन रहा, अल्लाह सुन रहा है, आपके दिल में है, आपके ख्याल में है, आपके आवाज में नहीं है, ख्याल में है। तो सिलसिला नक्शबंदी अवैसिया में इब्तदान ही जिक्र खफी कराया जाता है, लताइफ है बुनियादी तौर पर, उसके बाद मुराद दर्जे हैं जी, आप कह लें ऐसे जैसे इंसानी वजूद के मेन बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक हो गया, इस तरह आप समझ लें कि रूह के मेन बॉडी पार्ट्स, मेन बॉडी पार्ट अजाय रईसा समझ लें, उन्हें सूफिया लताइफ कहते हैं। पहला बुनियाद जो है वो लतीफ़ कल्ब, कल्ब जो इस पंपिंग मशीन के न्या खाने में, सेंट्रल न्या खाना कहते हैं जी, गहरी तरीन जहाँ वो गहरी तरीन जगह, मेडिकल कहती है पंपिंग मशीन है। कुरान करीम फरमाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलब मुबारक पर कुरान का नज़ूल हुआ,
آپ نے فرمایا گوشت کے لوتھڑے اس کا خیال رکھنا جو دل ہے اس کا خیال رکھنا, خراب ہو تو سارا وجود خراب ہوگا, درست ہوگا تو سارا وجود درست ہوگا. بندہ کسی کے پیچھے جان دینا چاہ رہا ہے, اسے کہا کیوں بھی وقوف کر رہے, وہ کہتا ہے دل چاہ رہا ہے, تو اٹس ناٹ جسٹ اے پمپنگ مشین. اس کو اب آپ ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں سیٹل ہارٹ. تو کچھ ہے جس کی شہادتیں مل رہی ہیں. اچھا جب یہاں اللہ اللہ کرایا جاتا ہے تو اس اللہ اللہ کرانے سے چونکہ ایمان بھی کیفیت ہے, ایمان بھی کیفیت ہے, کیفیت اور کیفیات جو ایمان بھی کیفیت ہے, کیا خوبصورت جملہ ہے. کیفیات جو ہیں ان کا گھر دل ہے, قلب ہے. جب آپ اور اس کا گھر قلب ہے, آپ جب اللہ اللہ کرتے ہیں, دیکھیں نا میں عرض کرتا ہوں, آپ مجھ سے شفقت سے یا محبت سے پیش آئے, میں آپ سے محبت سے پیش آیا, ہمارا اچھا کلام اور باعزت کلام اور محبت بڑھاتا ہے, لحاظ دیتا ہے. ہر دو صورت میں اگر میں ٹچ نہ کروں, کوئی چیز آپ کی طرف پھینکوں نہیں, لیکن لفظ سخت کر لوں, ہماری محبت کا تعلق خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اگر ہمارے الفاظ ایسی کیفیت لے جاتے ہیں جس سے یا محبت بڑھتی ہے یا نفرت بڑھتی ہے, کیا بات, الفاظ تو جو اس میں ذات ہے اللہ, اس کی تکرار کیفیت دل میں نہیں لے جائے گی. اللہ 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 اللہ, واہ واہ واہ. تو جب وہ کیفیت اللہ اللہ کی وارد ہوتی ہے تو وہ تسلسل, جیسے قرآن کریم لیتے ہیں, علوم ظاہر لیتے ہیں, یا آپ پلٹتے جائیں اور آگ تاریخ کے یہ اللہ بھائی محمد رسول اللہ وسلم تک لے جائیں گے. واہ واہ, صدری علوم کو پلٹو, اس کیفیات کے تسلسل کو پلٹو, یہ قلب اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا لے جائے. واہ ماشاءاللہ. حضرت اس کا کوئی ایک مظاہرہ کر کے کوئی تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ آپ جو ذکر فرماتے ہیں یہ کس طرح سے ہوتا ہے, یا اگر آپ چاہیں. آپ میرے لیے بہت محترم ہیں, یہ دینی شعبہ جو ہے یہ تو اور مقدم ہے, ایمان ہے ہمارا, بے شک ہے. تو اگر مشق میں آپ کو ادا کروں تو سامعین کو بھی سمجھنا آسان ہوگا اور ہماری گفتگو. بسم اللہ. تو میں طریقہ عرض کرتا ہوں اور اپنے موجود سامعین سے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ طریقہ ہے جسے آپ 5 دن 7 دن ہفتہ کر کے دیکھ لیں, آپ محسوس کریں, طلب لائیں, تو اللہ کی کرم اور عطا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ تسلسل نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ ملنے کا, چونکہ اللہ کا کرم. اس میں محترم طریقہ جو ہے سلسلہ نقشبندیہ ویسے میں اسے 5 انفاظ بھی کہتے ہیں, یعنی یہ سانس کے ساتھ کیا جاتا ہے. قبلہ رخ بیٹھا جاتا ہے, کچھ کلمات ہیں نہ آتے ہوں اس ترتیب سے تو آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے قبلہ رخ بیٹھیں اور خیال کریں آنکھیں بند ہوں منہ بند ہو, قبلہ اس طرف ہے, آپ تقریباً قبلہ رخ بیٹھے ہیں, آپ تقریباً قبلہ رخ بیٹھے ہیں, تو جیسے آپ پوری توجہ میری طرف ہے, اس کی بجائے آپ اپنی توجہ اپنے قلب کی طرف کریں, اپنے قلب پر خیال کریں. بتاؤں گا جیسے آپ کا ایک سمجھنے کے لیے کہ نام ہے بلال, ایک لفظ لے رہا ہوں, پورا نام اس لیے نہیں بولے, ایک لفظ, ایک دفعہ زبان سے بولیں بلال, بلال ابھی بولنا نہیں, جسٹ تھنک دا ورڈ آف بلال, سے اٹ ان یور ہارٹ, بلال بولا جا سکتا ہے نا. اب اسی طرح لفظ بولیں اللہ, سے اٹ ود وائس, اللہ, اب اس کو اسی طرح ساؤنڈ اٹ ان یور ہارٹ, سوچا جا سکتا ہے نا. اچھا دوسرا لفظ ہے لفظ ہو, ہم لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں کہ ہو ساتھ کیوں لایا, اللہ ایگزسٹ, اللہ لا الہ, اس معنی میں لیں آپ کا دونوں ربط پورے ہوں گے, اصل لفظ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا لفظ ہو کو بھی اسی طرح خیال کریں کہ آپ دل میں سوچ سکتے ہیں, سوچا جا سکتا ہے, پھر یہ ساری سوچ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو سانس ہے, جو بریتھنگ پروسیس ہے, اٹس آٹو گوئنگ آن, یہ از خود چل رہا ہے, انہیل ایکزیل, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ذکر کا جو طریقہ ہے سر سالی میں وہ یہ ہے کہ آنکھ بند ہو, منہ بند ہو, آواز نہیں, زبان کا استعمال نہیں. جب آپ سانس لیں آپ خیال کریں وہ آواز اللہ سانس کے ساتھ اندر آ رہی ہے اور دل میں اترتی جا رہی ہے, اللہ لفظ اللہ, سانس خارج کریں, انہیل کریں, ایکزیل کے ساتھ لفظ ہو باہر آئے اور دل پر ایسے باہر سے ضرب کریں, انہیل اللہ, ایکزیل ہو, انہیل اللہ, ایکزیل ہو. اب آپ اپنے دل پر دھیان کریں, مجھ سے دھیان ہٹا لیں, سانس اندر آئے اللہ, سانس باہر آئے ہو, انہیل اللہ, ایکزیل ہو. اب جب خیال کریں سانس اندر آئے اور لفظ اللہ اندر آئے تو صرف دل میں نہیں, فیل دا ڈیپتھ آف, اب دل کی گہرائیوں میں اترتی, اور جب سانس خارج کریں تو لفظ ہو صرف باہر نہ آئے, باہر سے دل پر آ کر ضرب کرے, تھوڑا سا چھوٹا سانس اور تھوڑا سا تیز سانس.
शहर नदी, हजरत बिलाल ने जो दाने शहर नदी। ये इसका बुनियादी तरीका है जिसे करता है। हजरत बिलाल ने जो, इस तरीके से कोई जिक्र शुरू करे उसको आहिस्ता आहिस्ता महसूस होना शुरू हो जाए। अगर कोई कमज़ोर तरीके से भी साबुन कपड़े पर मल रहा है तो पूरा ना सही, कुछ मैल तो करती जाएगी। तो नाम अल्लाह का है, मैं बात कर सकता हूँ। आए नबी के पास फिर अशहाबे बासभा की अर्फ मुस्तफा से किया शहे अंबिया है क्या सबब सहर ना। ये चंद दफा किया सर, लेकिन इससे मुझे ऐसे लगा जैसे कि एक सफर जो है, बिलाल कुतुब जो है वो अपने कल्ब के अंदर खुद सफर कर रहा है। हज़रत दुआ कीजिए इस मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए।